गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस इज करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी पार्ट ट्वेंटी एट तो आज की जो मैं न्यूज आप लोगों के लिए लाई हूँ न्यूज फ्रॉम द हिंदू एंड इकोनॉमिक वैसे तो ये जो न्यूज है वो इकोनॉमिक्स टाइम द हिंदू और बिजनेस स्टैंडर्ड तीनों न्यूज़पेपर्स की हाईलाइट में है तो हम पहला न्यूज देखते हैं स्टूडेंट पहला न्यूज है कैबिनेट रिफॉर्म्स नेचुरल गैस मार्केटिंग प्राकृतिक गैस कैबिनेट के द्वारा प्राकृतिक गैस के विपणन संबंधी सुधार किए गए विपणन या मार्केटिंग संबंधी सुधार किए गए इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है प्राकृतिक गैस के विपणन संबंधी सुधार के लिए कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन बेडनसडे अप्रूव नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म विद एन एम टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसीजर टू डिस्कवर द प्राइस ऑफ गैस गैस की प्राकृतिक गैस की कीमत निर्धारण कीमत निर्धारण में स्वतंत्रता दी गई मैं आपको आगे यह भी बताऊंगी कि प्राकृतिक गैस का कीमत निर्धारण किस तरीके से होता है और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं वो मैं आपको पहले डील कर दूं तो प्राकृतिक गैस का जो की जो प्राइसिंग है जो प्राइस है उसको निर्धारित करने में थोड़ी स्वतंत्रता दी गई पॉलिसी ने और भी परमिशन दिया है पॉलिसी परमिटेड एफिलियट कंपनीज टू पार्टिसिपेट जो इससे संबंधित कंपनी है वो बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है, बिडिंग का मतलब होता है जब कोई कीमत निर्धारण होती है तो उस हैं है, तो इसमें कंपनीज भी भाग ले सकती है तो ये एक बहुत ही आ, बढ़िया कदम उठाया गया है इसमें कहा गया है कि बिडिंग में जो संबंधित कंपनी है जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन करती है वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है वो भी भाग ले सकती है और स्टूडेंट इससे जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो किस कंपनी को होगा तो सबसे देखो इसमें सबसे ज्यादा फायदा सबसे पहले तो सभी जो भी उत्पादन कर रहे हैं प्राकृतिक गैस का उन सभी को फायदा होगा क्योंकि इसमें फ्रीडम दी गई है और इसमें ओ को तो फायदा होगा ही ऑयल एंड नेचुरल गैस आ, मेकर को इसको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा इसके साथ ही साथ मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी की जो कंपनी है मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्री जो कि प्राकृतिक गैस के उत्पादन में काफी अच्छा पार्टिसिपेट करती है इसको भी इस नॉर्म इस डिसीजन से फायदा होगा और तीसरा वेदांतास कैन तो इन तीन कंपनियों को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जो मिनिस्टर हैं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित जो मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान उनका कहना है कि सरकार जो ये प्राइसिंग है प्राकृतिक गैस का जो कीमत निर्धारण है उसकी ई बिडिंग कर सकती है मतलब इसकी कीमत निर्धारण के लिए जो बिडिंग ली जाएगी वो ऑनलाइन भी ली जा सकती है तो इससे देखो स्टूडेंट सबसे बड़ी बात तो है ये है कि सरकार अभी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन से शिफ्ट कर चुकी है प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन पे सरकार अगर कीमत निर्धारण में स्वतंत्रता दे रही है इसका मतलब सरकार जो रेवेन्यू uh, सरकार अपना मैक्सिमाइज़ करती थी सरकार को जो इनकम होती थी वो मैक्सिमाइज करती थी लेकिन सरकार अभी उत्पादन की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है तो ये शिफ्ट हो गया सरकार का जो स्ट्रेस था सरकार जो आ, ध्यान देती थी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पर अब सरकार प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन पर आ गई है और स्टूडेंट इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इन सुधारों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफी बढ़ावा मिलेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो भी प्राकृतिक गैस उत्पादन से संबंधित कंपनीज हैं वो इंडिया में बहुत ही अच्छे से काम कर पाएंगी तो ये एक बहुत ही बढ़िया कदम माना जा रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दिशा में अब देखो ये और कब किया गया था 2016 में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर फील्ड से जो नेचुरल गैस का उत्पादन होता था उनमें भी प्राइसिंग फ्रीडम दी गई थी कीमत निर्धारण में उनको भी स्वतंत्र स्वतंत्रता दी गई थी तो 2016 से ये काम चल रहा है उसके बाद उसके बाद देखो 2017 2017 में कोल बेड मिथेन ब्लॉक टू गेट सेम फ्रीडम 2018 में नॉर्थ ईस्ट रीजन जो हमारा पूर्वी उत्तर या पूर्वोत्तर भाग जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उनको भी कीमत निर्धारण में स्वतंत्रता दी गई थी खासकर असम का जो एरिया है असम, डिग्वाई इन सभी का जो एरिया है 2019 में न्यू डिस्कवरीज गिवन प्राइसिंग फ्रीडम्स जो नए डिस्कवरीज थे मतलब जो नई जो नए, जो नए जो सोर्सेस का पता चला था उनको भी कीमत निर्धारण में स्वतंत्रता दी गई थी और 2020 में न्यू स्टैंडर्डाइज ई बिडिंग मतलब कीमत निर्धारण के लिए जो बिडिंग्स लगाई जाती है वो ऑनलाइन करने की बात की गई है तो इन सभी सुधार ये सुधार 2016 से चले आ रहे हैं प्राकृतिक गैस उत्पादन एवं उसके विपणन से संबंधित और इसको 2020 में और भी काफी इंप्रूव कर दिया गया है ई-बिडिंग की शुरुआत करके तो सरकार जो है I, आई को मैक्सिमाइजेशन रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की तरफ ना ध्यान दे करके अभी प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन की तरफ ध्यान दे रही है मतलब सरकार का जो मेन टारगेट है अभी उत्पादन को बढ़ावा देना है ठीक है और इसके इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस डिसीजन से हमारे यहाँ जो गैस का प्रोडक्शन है जो हमारे यहाँ गैस का उत्पादन है अतिरिक्त चालीस मिलियन बढ़ जाएगा चालीस मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स अ डे इसकी जो उत्पादन को मापने की इकाई है एमएमएससीएमडी कही जाती है तो एमएमसीएस एमएमएससीएमडी का मतलब होता है मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अ डे मात्रा निर्धारण होता किस तरीके से है प्राकृतिक गैस का तू देखो कीमत का निर्धारण जो है मार्केट की शक्तियों के द्वारा होता है जो कि है मांग एवं पूर्ति सिंपल जैसे मांग एवं पूर्ति के द्वारा किसी भी वस्तु का कीमत निर्धारित किया जाता है उसी तरीके से मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा प्राकृतिक गैस की भी कीमत का निर्धारण होता है अगर हम पूर्ति पक्ष से चले सबसे पहले हम किसको लेते हैं सप्लाई साइड या पूर्ति पक्ष को लेते हैं तो प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस के का पूर्ति की पूर्ति किन किन चीजों पर डिपेंड करती है किस तरीके से इसकी पूर्ति प्रभावित होती है तो एक तो पूर्ति के लिए कि हम उत्पादन कितना कर रहे हैं घरेलू उत्पादन कितना कर रहे हैं दूसरा हम आयात कितना कर रहे हैं और पूर्ति कैसे होती है तो हम स्टोर कितना कर रहे हैं संग्रह कितना कर रहे हैं तो इन इन तीजो इन तीनों चीजों से हम प्राकृतिक गैस की पूर्ति का पता लगा सकते हैं हमारे यहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है हम बाहर से कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और हम अपने यहाँ इन्वेंट्री कितना मेंटेन कर रहे हैं ये है कि नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस की पूर्ति किन किन चीजों पर डिपेंड करती है अगर मान लो इंक्रीज इन सप्लाई नेचुरल गैस की सप्लाई बढ़ गई मतलब या तो आयात बढ़ गया या तो इसका उत्पादन बढ़ गया या तो इसका संग्रह बढ़ गया इन तीनों में से कोई भी चीज अगर बढ़ जाती है तो नेचुरल गैस का जो है आ, की पूर्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है अब अगर नेचुरल गैस की पूर्ति बढ़ जाए तो क्या होगा देखो ये क्या है मांग है और ये है पूर्ति किस चीज की प्राकृतिक गैस या गैस की जिससे हमारी कीमत का निर्धारण हुआ संग्रह बढ़ जाए तो नेचुरल गैस की पूर्ति बढ़, 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 तो बढ़ करके यहाँ आ जाती है जिससे कि की कीमत में गिराव देखा जाएगा कीमत घट जाएगी तो अगर नेचुरल गैस की पूर्ति बढ़ती है तो उसकी कीमत घटती है बहुत ही सिंपल है ठीक है तो ये है मार्केट की शक्ति तो मार्केट की शक्ति के आधार पर इसको इसको फ्री किया गया है कि कीमतों का निर्धारण किया जाए इंक्रीज इन प्राइस अब उसी तरीके से इनकी जो पूर्ति है अगर घट जाती है तो कीमत बढ़ जाएगी बहुत ही सिंपल सा संबंध है अगर पूर्ति घट जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी किस चीज की नेचुरल गैस की या प्राकृतिक गैस की अब नेचुरल गैस की पूर्ति घट जाती है तो कीमत बढ़ती है ये हम कैसे देखते हैं स्टूडेंट तो देखो किस तरीके से पूर्ति घटेगी या तो उत्पादन घट जाए या तो इसका आयात घट जाए या तो स्टोरेज घट जाए तो हम देखते हैं कि पहले ये डिमांड था और ये सप्लाई थी ठीक है पूर्ति घटती है मतलब सप्लाई लाइन पीछे की तरफ जाता है और कीमत हमारी बढ़ करके ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाती है है ना ये हमारे पहले की पूर्ति थी और ये हमारी नई पूर्ति है ठीक है पूर्ति हमारी घट गई है तो कीमतों में हम वृद्धि देखते हैं कीमत हमारी पी से P1 पर पहुंच जाती है अब देखो डिमांड साइड को हम देखें हम मांग कितनी करते हैं नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस की मांग ये कैसे निर्धारित होती है इसकी मांग किस पर डिपेंड करती है कि वेदर कैसा चल रहा है टेम्परेचर कैसा चल रहा है आर्थिक स्थिति कैसी है और पेट्रोलियम के प्राइस कैसे है ठीक है इसको हम कहेंगे स्थापन वस्तु सबस्टिट्यूट है, है पेट्रोलियम एंड या नेचुरल गैस इसको हम कहेंगे सबस्टिट्यूट है इसका तो वेदर किस तरीके का चल रहा है आर्थिक स्थिति कैसी है है ना इसको हम कहेंगे ये डिपेंड करता है हमारी आर्थिक स्थिति पर मौसम पर और पेट्रोलियम के प्राइस पर पेट्रोलियम की कीमत ये तीन चीजें जो है ये नेचुरल गैस की डिमांड को प्रभावित करते हैं अब देखो जैसे कोल्ड वेदर है कोल्ड वेदर लो टेम्परेचर में हमारी जो प्राकृतिक गैस की डिमांड है नेचुरल गैस की वो बढ़ जाती है हीटिंग के लिए हमें बहुत सारी चीजों को ऑन करना पड़ता है तो जिसके लिए इनकी डिमांड जो है बढ़ जाती है लो टेम्परेचर में हॉट वेदर मतलब अगर गर्मी की हम बात करें तब भी इनकी डिमांड बढ़ जाती है क्यों कूलिंग के लिए ठीक है तो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इनकी डिमांड बढ़ जाती है तो वेदर इसकी डिमांड को काफी प्रभावित करता है नेचुरल गैस की डिमांड को हाइयर डिमांड टेंड्स टू लीड टू हायर प्राइसेस अगर मांग बढ़ी हुई रहती है प्राकृतिक गैस की या नेचुरल गैस की मांग बहुत ही ज्यादा होती है तो इसकी कीमत भी बहुत ही ज्यादा होती है ठीक है और अगर इसकी मांग कम होती है तो इसकी कीमत भी कम होती है इसको भी हम सिंपल इस ग्राफ़ से समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स में ग्राफ़ बहुत ही हेल्प करता है ये है हमारी पूर्ति प्राकृतिक गैस की और ये है हमारी सॉरी ये है हमारी डिमांड प्राकृतिक गैस की और ये है हमारी पूर्ति प्राकृतिक गैस की और प्राइस यहाँ पर फिक्स हो रहा है अब देखो डिमांड अगर बढ़ जाता है मतलब डिमांड कर्व आगे की ओर चल, चला जाता है तो क्या होगा ये हमारा हमारी जो कीमत है प्राकृतिक गैस की वो बढ़ जाएगी डिमांड क्यों बढ़ रहा है डिमांड बढ़ रहा है या तो टेम्परेचर के कारण हमारे यहाँ कूलिंग के लिए प्राकृतिक गैस की जरूरत है ठीक है ये जो तीन मैंने रीजन बताए थे आर्थिक स्थिति हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति कैसी है और पेट्रोलियम की कीमत कैसी है अगर किसी भी कारण से डिमांड बढ़ जाता है तो कीमतों में वृद्धि देखी जाती है ठीक तो है स्टूडेंट इसी तरीके से प्राइस जो है फिक्स किया जाता है और सरकार ने अभी प्राइस फिक्सेशन में काफी रिलैक्स किया है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो मोटो है सरकार का उसमें काफी बढ़ोतरी होगी और खासकर सरकार का ध्यान जो है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन से प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन की तरफ चला गया है और इसमें कहा जा रहा है कि सरकार के इस कदम से हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है वो 40 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर डे मतलब 40 एम एम एस सी एम डी तक बढ़ने की संभावना है ठीक है तो स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज थी इसलिए इसको मैंने आज आप लोगों के लिए इसमें डाला दूसरा न्यूज है एम राजेश्वर राव इज नेम डिप्टी गवर्नर RBI के द्वारा श्री एम राजेश्वर राव को डिप्टी गवर्नर चुना गया है ठीक है अब देखो आरबीआई को चार डिप्टी गवर्नर की जरूरत होती है दो जो होते हैं वो इंटरनल अपने रैंक के होते हैं प्लस एक जो मेंबर चुने जाते हैं वो किसी भी कॉमर्शियल बैंक से व्यवसायिक बैंक से चुने जाते हैं और एक कोई भी इकोनॉमिस्ट होते हैं या जिनको हम कहें अर्थशास्त्री तो चार डिप्टी गवर्नर

मेरी क्लासेस आप देख सकते हो मोबाइल दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर और स्टूडेंट मेरे द्वारा uh, मेरे द्वारा यूपीएससी की क्लासेस चलाई जाती हैं जिसके लिए आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अभी इंडियन इकोनॉमी के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट की जा रही है टेंथ ऑफ अक्टूबर से जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही और ये सीरीज लगातार जारी रहेगी